हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक नए ट्रैवल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको अपने साथ लेकर आई हूँ शिव जी के टेंपल, जो कि है श्री क्षेत्र सोमेश्वर, और ये सोमेश्वरवारी पाषाण में बना हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। इस मंदिर में आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर से आ सकते हो। मंदिर के बाहर ही निःशुल्क पार्किंग सुविधा दी गई है। ये मंदिर 900 वर्ष पुराना है और ये राम नदी के तट पर स्थित है। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे, आपको 40 फीट ऊंची दीपमाला दिखेगी। ये मंदिर 3.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। एक सोमेश्वरवाड़ी से है, दूसरा राम नदी की ओर खुलता है और एक पश्चिम की ओर खुलता है। ये 40 फीट दीपमाला गणपति बप्पा, हनुमान जी और भैरवनाथ के मंदिर से घिरी हुई है। हनुमान जी और गणपति बप्पा को सिंदूर लगाया हुआ है। आगे चल के आपको महादेव का मंदिर देखने मिलेगा, जो कि पुरातन काल से मौजूद है। मंदिर की दीवारों और छत पर बहुत ही बारीक नक्शी काम किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। साथ ही छत पर किस दिशा में किस भगवान का स्थान होता है, इसका वर्णन नक्शी काम के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको नंदी जी के ऊपर भी बहुत ही बारीक किया हुआ नक्शे काम देखने को मिलेगा। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक कथा है। एक बार एक गाय सांप के बिल पर दूध छिड़क रही थी, जिसे एक चरवाहे ने देखा। बाद में उस चरवाहे के सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उस स्थान को खोजने के लिए कहा। जब चरवाहे ने उस स्थान को खोजा तो उसे वहाँ पर शिवलिंग दिखे। इसीलिए इस मंदिर के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी कहते हैं। श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। शिव मंदिर के पास ही काल भैरवनाथ मंदिर भी है, जहाँ पे आप काल भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान को एक जागृत स्थान माना जाता है और यहाँ पर राजमाता जीजा माता 1640 से 1650 के बीच शिवाजी महाराज के साथ दर्शन करने आती थी। इसे पेट जीजापुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आके आप पूजा भी करवा सकते हैं, जिसकी रुद्राभिषेक, वास्तु शांति, गृह प्रवेश। यहाँ पे हर सोमवार को अन्न प्रसाद भी दिया जाता है। अगर आप भी आपकी तरफ से अन्नदान करना चाहते हैं तो आप श्री क्षेत्र सोमेश्वर देवस्थान ट्रस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भक्त सोमेश्वर भगवान के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं और उनका मानना है कि सोमेश्वर भगवान के दर्शन करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री क्षेत्र सोमेश्वर देवस्थान के द्वारा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है, जिससे कि सभी भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ उठा सकें।
फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।